फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू प्रीतिज वर्ल्ड। अभी हो रहा है शाम के 5:30। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। आज है दिन थर्सडे और अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए यहाँ पर मैक्रोनी। अभी तो मैंने थोड़े से स्वीट कॉर्न भी ना रखे थे मेरे पास और बाकी का सामान भी मैंने निकाल लिया है। तो मैं बना रही हूँ आज वाइट सॉस मैक्रोनी। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं, वाइट सॉस मैक्रोनी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैंने रखा है एक पैन और उधर मैक्रोनी ना बॉयल होने ही वाली थी, कुछ ही मिनट रह रहे थे वो डन होने वाली थी। और नित्या ऐसी जो लग रही है, ये देखिए खुशी। और यहाँ मैंने पैन में डाला है सबसे पहले थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था ऑयल, ताकि जो बटर है वो हमारा जले ना। उसके बाद इसमें आप चाहें तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसमें प्याज वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। इसके बाद इसमें मैंने 2 चम्मच जो हमारी खाने वाली स्पून होती है वो डाले मैंने इसमें मैदा। और इसको कुछ सेकंड के लिए अच्छे से आपको भून लेना है, ताकि मतलब मैदा ना कच्ची ना रहे। तो थोड़ा सा इसको भून लेंगे हम हल्का सा। इसमें देखिए इस तरह से थोड़ा सा कलर आ गया। अब इसमें धीरे धीरे करके हमें दूध डालना है। तो करीबन इसमें मेरा 1 से 1.5 गिलास दूध लग गया था, क्योंकि मैंने ना थोड़ी सी जो वाइट सॉस है वो हल्की सी ग्रेवी वाली बनाई थी। मतलब जो सॉस होती है ना वो मैंने ज़्यादा रखी थी और मैक्रोनी कम, क्योंकि इसको ना चीज़ी और थोड़ी सी लिक्विडी मैक्रोनी अच्छी लगती है। तो 1 से 1.5 गिलास दूध लग गया था इसमें। साथ ही मैंने ये जो बॉयल करे हुए मेरे कॉर्न है वो भी ऐड कर दिए थे। तो कॉर्न को आपको बॉईल करना है और इसमें इसी स्टेज पर आप चाहे तो ब्रोकली वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं या कैप्सिकम। इसके बाद मैंने इसमें ये ऑरिगेनो और मिक्स हर्ब्स और थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च भी डाली थी और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स ये जो छोटे वाले पैकेट होते हैं ना, ये मैंने 4 पैकेट डाले हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर देंगे। और इस ग्रेवी को ना आपको अच्छे से पकाना है, मतलब अच्छे से ये ना खदकनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ग्रेवी हमारी कच्ची रहेगी तो फिर बहुत ही अजीब सा टेस्ट आता है। तो इस ग्रेवी को हमें करीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पकाना है। तो कॉर्न भी इसके साथ में और भी अच्छे से क्रीमी हो जाएंगे और ग्रेवी भी हमारी अच्छी बनेगी। उसके बाद इसमें हम 1 स्लाइस मैंने यहाँ पर चीज़ की ऐड की है, जो चीज़ स्लाइस होती है अमूल की वो, और थोड़ा सा मैंने इसमें ग्रेटेड चीज़ बाद में मैं ऐड करूँगी इसमें। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर 1 ही स्लाइस ऐड करी है, जो ग्रेटेड चीज़ है वो इसमें मैं बाद में ऐड करूँगी। उसके बाद देखिए हमारी मैक्रोनी अच्छे से बॉयल हो चुकी थी और ग्रेवी भी देखिए कितनी अच्छे से पक रही है हमारी। तो इसी स्टेज पर मैंने मैक्रोनी डाल दी थी। तो मैक्रोनी ना मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, तो ग्रेवी के हिसाब से मतलब वाइट सॉस के अकॉर्डिंग मैंने इसमें मैक्रोनी ऐड की है। थोड़ी सी मैक्रोनी मैंने बचा ली थी, क्योंकि फिर ना मैक्रोनी ज़्यादा हो जाती है और सॉस कम, मतलब वाइट सॉस, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी मैक्रोनी को बचा लिया था, क्योंकि सबके लिए इनफ थी है, क्योंकि हम लोग तो कोई खाता नहीं है, बच्चे वगैरह ही खाते हैं, तो इसलिए। तो उसके बाद मैंने इसमें डाली अमूल की ग्रेटेड चीज़ और हल्का सा इसको मिक्स करके मैंने ढक दिया था 1-2 सेकंड के लिए। तो बहुत ही अच्छी क्रीमी ये मैक्रोनी पास्ता बन के हमारा रेडी हुआ था और बहुत ही अच्छा, मतलब टेस्टी बना था। मैंने भी टेस्ट किया था, ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर और चीज़ भी अच्छे से इसमें बहुत ही अच्छे से, देखिए इसमें चीज़ कितना अच्छा लग रहा है इस टाइम। तो बहुत ही अच्छा ये बना था। तो बच्चों को ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं और चीकू भी ना खा लेती है, कॉर्न नहीं खाती। उसके बाद मैंने कॉर्न ये मैक्रोनी बनाने के बाद मैंने डिनर बनाया था सबके लिए। तो ये आया था नया तवा, तो इस तवे का आज उद्घाटन कर रही थी मैं। तो बस सबके लिए मैं सेक लूँगी पराठे। और सब्जी बनी थी आज, आई थिंक तोरी की सब्जी बनी थी, तो वो पहले ही मैंने बना ली थी। तो बस अभी सबके लिए फटाफट से हम पराठे सेक लेते हैं। Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me. Baby, put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone. Staying up
प्रीति इज़ वर्ड। अभी हो रहा है मॉर्निंग के 6:30 आई थिंक। हाँ, और नित्या अभी रेडी हो रही है, अभी बाल बहाऊंगी इसके। और आज नित्या कहाँ जा रही है? पिकनिक। तो मतलब रात भर बड़ी लेट सोई है और जल्दी उठ गई अपने आप ही। पिकनिक पे जाना है, पिकनिक पे। तो आज इनको जाना है पिकनिक पे, ओमैक्स वंडरलैंड जा रहे हैं आज बच्चे स्कूल से। तो शाम को आएगी आज नित्या, और आज लंच भी नहीं लिया है क्योंकि स्कूल से प्रोवाइड होगा सब कुछ। आर यू एक्साइटेड? यस। रात ही इसने अपना बैग लगा कर रखा, मतलब बैग में वैसे कुछ नहीं, सिर्फ डायरी और वाटर बॉटल लेके जानी थी। बट गर्ल्स गैंग ने पूरा प्लान बना रखा था कि ये वाला चिप्स लेके आना है, ये वाला शेक लेके आना है, तो वो सब चीज़ें मंगा कर कर बैग लगाया है इसने। अभी चलिए फटाफट से रेडी करते हैं, और नित्या जाएगी शाम को। शाम के 5:30 का टाइम है, तो आज हम लेने जाएंगे नित्या को स्कूल। और मैं आऊँगी 7:00 ऑन फिट वाले पे, क्योंकि 2 घंटे का 2 आवर्स का लास्ट है वहाँ से स्कूल से वाले। तो चलिए पहले रेडी करते हैं उसके बाद। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू प्रीतिज वर्ल्ड। आज है दिन सैटरडे, और मैं आई हूँ अभी नीचे नाश्ते की तैयारी करने के लिए। नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज रेड रोट और थोड़ी सी पकौड़ी, मतलब आलू की, या देखते हैं अगर प्याज की बनवाई बच्चों ने तो। और ये आज चले गए हैं शॉप पर सुबह ही नहा धो करके, और आज है महाशिवरात्रि। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ लोग फास्ट करते हैं आज, और आज सुबह ये भी शिव जी पर ना जल चढ़ाने गए थे तो कह रहे थे मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो सब लोग कर रहे हैं पूजा पाठ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बना रही हूँ ब्रेड रोल के लिए आलू फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल, और उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है जीरा। तो जीरा अच्छे से देखिए चटक गया है। उसके बाद मैंने इसमें डाली है 1 हरी मिर्च चॉप करके, और ये जो मैंने आलू बॉईल करे थे इनको हाथ से हल्का सा क्रश करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये आलू भी अभी बॉईल किए थे, तो आलू भी थोड़े से गर्म ही थे, तो इनको हमने हाथ से ऐसे रफली थोड़ा सा ना फोड़ करके इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से बेसिक मसाले, और सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे सौंफ और धनिए का पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्का सा अमचूर पाउडर, और स्वाद के अनुसार नमक। और उसके बाद हम इसमें 1.5 सारा हरा धनिया भी ऐड करेंगे, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और बहुत ही टेस्टी आलू बनते हैं। जो आपके ठंडे आलू होते हैं ना उबले, वजह से आप एक दिन पहले के जो आलू होते हैं उनको आप फ्राई करेंगे, उसका टेस्ट अलग आता है। और जो आप अब जैसे कि आपने हाथ के आलू बॉईल करे उसको आप फ्राई करते हैं, उसका टेस्ट आप अलग आता है। आपको भी एक चीज़ नोटिस करके देखना है। और आलू और हरे धनी का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ढेर सारा मैंने इसमें फ्रेश हरा धनिया चॉप करके बोर्ड ऐड किया है, देखिए इतना सारा धनिया मैंने ऐड किया है। तो ये हमारी जो आलू की स्टफिंग है जो ब्रेड रोल में जाएगी वो हमारी बन करके रेडी है। तो अभी थोड़े से ही मैंने ब्रेड रोल बनाने हैं, और उसके बाद थोड़ी सी मैंने आलू की पकौड़ी, सिर्फ ये 2 चीज़ बनाई थी मैंने, और बहुत ही अच्छे मतलब चटपटे आलू ये बन करके रेडी हुए थे। आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, हम बनाते हैं आलू की पकौड़ी। तो सबसे पहले एक मैंने लिया है 2 से 2.5 चम्मच, मतलब 3-3.5 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पर बेसन। इसमें मैंने ऐड किया था थोड़ा सा आटा, और इसमें बेसिक मसाले ऐड किए हैं मैंने, सौंफ, धनिया का पाउडर, लाल मिर्ची, थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक आप स्वाद के अनुसार डालें इसमें, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ना इसमें इसको अच्छा से आप पेस्ट बना लें। और इसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया, इसमें भी मैंने ऐड किया था बहुत सारा, क्योंकि हरा धनिया बस अब बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है हर चीज़ में, तो पकौड़े वगैरह में या फिर सब्ज़ी वगैरह में हरा धनिया बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसके बाद देखिए मैंने आटा बाद में ऐड किया था। तो अगर आप इस तरह से ना पकौड़ी के जो घोल बनाते हैं बेसन का, उसमें आटा ऐड कर लेते हैं ना,
तो पकौड़ी की जो क्रिस्पीनेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये चीज़ आप कभी नोटिस करना। हालांकि बेसन के खाले बेसन के पकौड़े भी अच्छे लगते हैं, पर उसमें अगर आप आटा ऐड कर लेते हैं उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है उस पकौड़ी का। तो देखिए धनिया भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब थोड़ा सा देखिए लड्डू को ले रही है। तो अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 से 4 आलू, उनको अच्छे से धो लिया है, मतलब छील के और धो वॉश कर लिया है। और अभी इसको हम इस तरह से सर्कल में पतले पतले जो सर्कल है हम इसमें काट लेंगे पकौड़े के लिए। तो सारे आलू मैंने इस तरह से चॉप कर लूँगी। और आलू को चॉप करने के बाद मैंने अपने बेसन के घोल में इसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी एक बारी। और इतने मैंने आलू वगैरह चॉप किए थे, इतने बेसन मैंने अच्छे से घोल करके रख दिया था, तो वो भी अच्छे से 5-10 मिनट रेस्ट ले लिया था उसने भी। तो अभी बना लेंगे गर्मा गर्म पकौड़ियाँ, और बहुत ही क्रिस्पी करारी पकौड़ी बन करके रेडी हुई थी। देखेंगे आप आगे, बहुत ही टेस्टी ये पकौड़ी, देखिए बहुत ही अच्छी बन करके रेडी हुई थी ये पकौड़ी हमारी। तो बाकी के भी हम ब्रेड रोल वगैरह, और बीच में मैंने चीकू के लिए बनाए थे फ्रेंच फ्राइज, और दूसरी साइड रखी जा रही है चाय। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा अभी। तो चलिए फटाफट से सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं, और फिर मैं भी करूँगी ब्रेकफास्ट। और बीच बीच में ना मैं किचन भी क्लीन कर रही थी, दूध वगैरह भी रिता रही थी, तो मॉर्निंग का यही काम होता है। तो बीच बीच में मतलब पकौड़े भी बन रहे थे, और बीच बीच में थोड़ा बहुत अपनी किचन की भी क्लीनिंग कर रही थी। तो बस ब्रेकफास्ट हो गया था हमारा, और अभी ये है मतलब लंच से पहले का टाइम। तो थोड़े से माल्टे रखे थे, तो मैंने सोचा उनका जूस निकाल लेती हूँ। तो ये मेरी फेवरेट मशीन है, तो उसमें जूस बहुत ही अच्छा निकलता है। तो 5 से 6 माल्टे थे, तो उसका मैंने जूस निकाल दिया था सबके लिए, मतलब सबके लिए नहीं, इनफैक्ट नित्या और डैडी ने लिया था। तो बस ये उसके बाद मैंने हमने सबने लंच किया था, और लंच में आज बनी थी येलो दाल राइस, मतलब अरहर की दाल, चावल और आलू गाजर। तो वो हमने फिर लंच किया था। और बस यहीं पर मैं इस वाले वीडियो का करती हूँ एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए बाय।